जर्नी के कुछ ऐसे पार्ट भी है जो नहीं बताया मैंने स्टार्ट किया था एक जॉब से बहुत मामूली जॉब okay. से मैं पांच डॉलर घंटे के बनाता था गाड़ियों पर अगर आते हैं तो आपके पास खुद कौन सी गाड़ी हैं या शौकीन है आप गाड़ियों मेरी लाइफ आज से एक डेढ़ साल पहले बहुत सादा थी मैं बहुत छोटे से घर में रहता था मैं बहुत सादा जिंदगी गुजारता था

इस बार होगा छुपा के काम दोबारा जहाँ भी एजुकेशन का आता है है ना मेरी यही है कि आप बंदे को एक वक्त का खाना ना था right. hmm. खरीदने का निरान कर को देख केल बिलीव है कि no no हमारी जो इंसानी फितरत है ना जब हमें किंग बना दो ना हम अपनी औकात भूल जाते हैं अंदर आज हमारे एपिसोड की गेस्ट हैं इज़ पाक यू यूएस बेस्ड पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून जनाब साद हशमानी कैसे हैं आप बहुत शुक्र है आप ठीक हैं मैं बिल्कुल ठीक साधा ही वैसे ही बिजनेस बिजनेसमैन आपके काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स भी हैं बट वी रिसेंटली सीन यू गॉट इनटू अ कंट्रोवर्सी विद शायद अनवर हु इज आल्सो अ बिजनेसमैन इन द यूएस तो बिजनेस राइवलरी कैसे स्टार्ट हुआ ये सब कुछ शायद अनवर हु दैट गाय हु पोस्ट वीडियोस ऑन मैं किसी शायद अनवर को नहीं जानता

उन प्रोडक्ट्स को मार्केट ऐसे किया जाता है कि लोग आ, आ, फैसिनेट होकर खरीद लेते हैं अगर आप चार पांच गाड़ियां दिखाएंगे ना तो लोग समझेंगे ये बड़ा सक्सेसफुल आदमी है लोगों को ये नहीं पता कि गाड़ी अमेरिका में डिप्रिशिएटिंग एसेट है तो कोई भी अकलमंद सेंसिबल सिखाने वाला बिजनेसमैन गाड़ियां नहीं रखेगा इतनी सारी वो एसेट्स बनाएगा रियल स्टेट बनाएगा प्रॉपर्टीज बनाएगा इन्वेस्टमेंट्स बनाएगा स्पेशली एट हिज एज अगर आप 40-45 साल के हो जाओ और आप रिटायरमेंट टच कर रहे हो देन यू कैन फ्लेक्स दो कार्स बट द कार्स आर देयर तो टू सेल इज कोर्स ओके okay. कोई भी दुनिया में कोर्स बेचने वाला होगा ना उसकी पहली निशानी होगी वो आपको गाड़ियां दिखाएगा गाड़ियां उनकी है या ही यार अमेरिका में ये गाड़ियां लेना कोई बड़ी बात नहीं है uh -huh. कोई भी जाके दो तीन हजार डॉलर पर मंथ पे गाड़ी उठा सकता है

ऐसी चीज ला रहे हैं जो फ्री एजुकेशन में जो पहले कभी हुई नहीं है आज तक यहाँ पे बहुत से लोग सिखा रहे थे ऑनलाइन बिजनेस करना ऑनलाइन ई कॉमर्स में अमेजोन में ये सब बिजनेस सिखा रहे थे okay. हम पहली बार ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको करना तो आता है काम लेकिन उनको लीड जनरेशन नहीं आती उनको अप्रोच करना नहीं आता कि कहां से बिजनेस पकड़ें अब मुझे अमेजॉन करना आता है और मैंने अकाउंट बना लिया है लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है अब मुझे कैसे इन्वेस्टर पकड़ना है और कैसे प्रोडक्ट बेचना है ये सब सिखा रहे हैं आ, पर हैं हैं हम लोग अगर आते तो आपके पास खुद कौन सी है? या शौकीन आप गाड़ियों के यार थोड़ा बहुत दूध दही अंडे वाली गाड़िया रखी हुई है मैंने भी वो कौन सी है छोटी मोटी गाड़ियां हैं कोई खास चीज नहीं है शौकीन नहीं इतने गाड़ियों के यार शौक इंसान को होना चाहिए ग्रोथ का दिखावे का शौक शौक नहीं होता तो गाड़ियाँ बाय एंड लार्ज लोग रखते हैं दिखावे के लिए बहुत सारे जो एंथूजस्ट होते हैं ना वो वो गाड़ियाँ रखते हैं जिनके नाम भी आप और मैं नहीं जानते ओके वी सीन कि आपकी जर्नी थी which started was, आपने स्टोर से स्टार्ट किया था दैट राइट तो आपने एक बार मैं, मैंने मैंने टिकटॉक टिकटॉप क्लिप देखी थी आपके रेस्टोरेंट में गए थे फिर आपने सर्वर को सॉल ऑर्डर दिए तो वट वॉज दैट होल थिंग ये क्या प्रसार था अच्छा मेरी जर्नी का बहुत कम पार्ट ऑनलाइन पेश किया गया है क्योंकि मैं ज्यादा इंटरव्यूज में बैठा नहीं हूँ तो बताया नहीं है मैंने बट जर्नी के कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो नहीं बताया मैंने स्टार्ट किया था एक जॉब से बहुत मामूली जॉब okay. से मैं पांच डॉलर घंटे के बनाता था और वो, वो पाँच पांच डॉलर करके मैंने जमा किए और पहली इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट मैंने की एक ऑनलाइन वेंचर में जो कि ईबे का एक स्टोर था उसको डेढ़ साल के अंदर स्टोर ठीक है ईबे का स्टोर मैंने उसको डेढ़ साल के अंदर टॉप रेटेड सेलर अकाउंट बनाया ओके okay. और उस दौरान ही ये सारे जो आप आ, आ, बाकी जर्नी सुनते हैं ऑनलाइन वो हो रही थी तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी मैं 15 16 घंटे काम करने वाला आदमी था स्टोर्स आपके हैं सो व्हाट्स दैट आपका मेन बिजनेस स्टोर्स का ही है और व्हाट आर दो स्टोर्स मेरी, मेरी सेलफोन की फ्रेंचाइज है ओके okay. दो तीन बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं एफिलेटेड हूँ और उनके साथ बहुत सारी लोकेशन हैं मेरी इसके अलावा रियल स्टेट भी मैं बहुत सारा ओन करता हूँ और रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड फ्लिपिंग में भी मेरा बिजनेस था अच्छा मैंने बीच में देखा था कि शायद अनवर ने कोई एलिगेशन लगाया था दैट्स दूर नॉट कि छः हजार छः सौ डॉलर कोई रेंट का था फिर वह आपका आपको कोर्ट में ले गया था अच्छा इस बात में कितनी कितनीदाकत है इट्स ट्रू शायद को मैंने ये जवाब दिया था बड़े बिजनेस छोटा प्रॉब्लम रोज़ के काम

और ना ही के साथ मिले सो द मेन फॉर दैट यार बहुत बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं okay. लेकिन मेरे कुछ फिलोसफीज हैं लाइफ की mm -hmm. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी वो मेरीफी ये है कि दिखा के करने वाला काम काम नहीं होता सिर्फ दिखावे में रह जाता है mm -hmm. तो बहुत सारे काम बड़ी खामोशी से करना चाहिए मुझे खुशी इस बात की है कि आप कह रहे हैं कि मैं नही हूँ उस चीज में आई थिंक आई डन अ गुड जॉब इन डू अली थिंकानी यार बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो अली ने भी बहुत से अच्छे काम किए हैं देखिए हर इंसान में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं मुझ में भी हैं आप में भी हैं अच्छे काम को हाईलाइट करना चाहिए बुरे काम को छुपाना चाहिए पी आई ए खरीदने का क्या आपका उस वक्त आ, थी कि, पी क्यों खरीदनी प्रॉफिटेबल प्रोफिटेबल अच्छा आप मुझे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो और जिस डायरेक्शन में मुझे बड़ा मोहतात होकर के बोलना पड़ेगा क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं देखिए अगर मैं इस वक्त आपसे कहूँ कि शाहरुख खान मुझे रोज कॉल करता है और मुझसे मिलना चाहता है और मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहता है तो आपको कितनी सच्चाई लगेगी इस बात पे बहुत कम बहुत कम बस वो ही पी वाले से एसोसिएट कर लें okay. कि जब बात बहुत सच्ची ना हो तो आप उसको उससे मिला देते हैं कि भाई ये बात हो नहीं सकती okay. like, uh, था? Or... नहीं स्टंट नहीं था वो लोगों को ये बताना था कि वो जो कह रहे हैं वो हो नहीं सकता ओके ओके ठीक है इलेक्ट्रिक वाली बात आप मुझे ज़्यादा okay. नहीं नहीं लेके जाएं मैं थोड़ा छुपे में समझाना चाह रहा कि Sorry. एक काम हो नहीं सकता okay. तो मैंने लोगों को यह बताया कि अगर ये काम हो गया okay. तो ये भी हो जाएगा ओके मेक सेंस पीआईए खरीदने वैसे बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं, no. नहीं. अच्छा I would would never buy those businesses. Okay, if you 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 didn't go to the U.S. and you were in Pakistan, do you think mm -hmm. that you would be where you are today? वो चाहता है कामयाब होना इंसान इसलिए कामयाब होता है उसकी आदत कामयाब इंसान वाली ओके ठीक मेरी आदत कामयाब इंसान वाली यहाँ भी थी यहाँ भी मैं पांच बजे उठता था 2008 ई डी यूनिवर्सिटी में 2010 यू लेफ्ट द यूएस 2009 में मेरा जाने का इरादा था जो कि okay. हो नहीं पाया तो एक साल तो मैंने ऐसे ही गुजारा यहां पे तो 2010 में मैं चला गया